और अब बात करेंगे कोरबा की, जहां न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है। शिक्षक से रिश्वत लेने का मामला सामने आया था और ये वीडियो भी लगातार वायरल हो रहा था। वायरल वीडियो पर जैसे ही न्यूज 18 ने खबर दिखाई, बीईओ ऑफिस से क्लर्क को निलंबित कर दिया गया। फौरन कार्रवाई जिला शिक्षा अधिकारी की तरफ से की गई। दो सदस्यीय जांच दल की रिपोर्ट के बाद इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया। जांच में क्लर्क हरिशरण यादव दोषी पाए गए। वीडियो में यह भी कहते नजर आ रहे थे कि इसका एक हिस्सा बीईओ साहब को भेजना होता है और फौरन इन पर कार्रवाई हुई। क्लर्क निलंबित हो चुके हैं। बीजापुर की अब चर्चा करेंगे, जहां पर विस्फोटक पाया गया है। नक्सलियों के मंसूबों पर एक बार फिर से सुरक्षा बलों ने पानी फेर दिया। सर्चिंग के दौरान सुरक्षा बलों को आईडी मिला है। आवापल्ली बासागोड़ा मार्ग पर आईडी पाया गया और जवानों को निशाना बनाने के लिए यहां पर आईडी प्लांट किया गया था। मौके पर ही जवानों ने आईईडी को डिफ्यूज कर दिया। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। सुकमा से अगली बड़ी खबर, जहां इनामी नक्सल दंपति का सरेंडर देखने को मिल रहा है, यानी कि 6 लाख के इनामी नक्सल दंपति ने आत्मसमर्पण कर दिया है। नक्सलियों की टेक्निकल टीम में ये दंपति काम कर रहा था और उसके बाद जैसे ही सुरक्षा बलों को इस बारे में जानकारी लगी, लगातार जिस तरह से अपील चली आ रही है और फौरन इसी अपील का असर देखे आप, मुख्यधारा से लगातार जुड़ रहे नक्सली, सरकार की पुनर्वास नीति का लाभ इन्हें दिया जाएगा। इधर अंबिकापुर की चर्चा करेंगे, जहां महिला ने जमकर हंगामा मचाया। महिला मरीज ने हंगामा किया मेडिकल कॉलेज अस्पताल में। घायल महिला को इलाज के लिए भर्ती करवाया गया था। महिला ने अस्पताल स्टाफ पर पत्थर से हमला कर दिया। बार बार एम्बुलेंस के नीचे महिला छिप रही थी। प्राथमिक तौर पर कहा जा सकता है कि हो सकता है कि मानसिक स्थिति इस महिला की ठीक ना हो। हालांकि अभी तक जो तथ्य सामने आए उसमें इस बारे में बिल्कुल भी जिक्र नहीं है, लेकिन ये तस्वीरों को आप देखिए किस तरह से पत्थर से हमला करने के लिए महिला स्टाफ के पीछे दौड़ रही थी और उसके बाद अचानक से एम्बुलेंस के नीचे छिप जा रही थी। अंबिकापुर की तस्वीरें, हालांकि स्टाफ ने काबू में करने की कोशिश बहुत की लेकिन काफी देर तक हंगामा चला है।